और न्यूज पथ पर आगे बढ़ते हुए पब्लिक होर्डिंग पर एक जरूरी खबर है। आज एक ऐसी रोचक जानकारी देंगे जो खास तौर से घूमने वाले जो लोग हैं उनसे जुड़ी हुई है, लेकिन अगर घूमने वाली जगह जाकर वहां की कला और संस्कृति को जानने समझने की इच्छा भी पूरी हो जाए तो इससे और बेहतर भला क्या हो सकता है। मुंबई में दरअसल एक ऐसा आर्ट फेस्टिवल हो रहा है जो आपकी इसी इच्छा को साकार करता दिखेगा। ये फेस्टिवल नृत्य, कला और संगीत के शौकीनों के लिए बेहद खास है। यकीनन यहां आप दोस्तों के साथ आए या फिर फैमिली के साथ एंजॉयमेंट की पूरी गारंटी आपको यहां पर मिलेगी। इस अनूठे आर्ट फेस्टिवल का नाम है काला घोड़ा फेस्टिवल। चलिए आपको बताते हैं इस आर्ट फेस्टिवल की क्या खासियत है। मुंबई में रहने वालों के लिए बेहद खास है काला घोड़ा फेस्टिवल। काला घोड़ा मुंबई में ही एक जगह का नाम है। ये महोत्सव काला घोड़ा और दक्षिण मुंबई में कई दूसरी जगहों पर होता है। 15 से ज्यादा जगहों पर यह कला महोत्सव हो रहा है। यहां डांस से लेकर संगीत, चित्रकारी, हैंडीक्राफ्ट, ग्राफिक्स, आर्ट, सिनेमा और साहित्य के अलावा और भी कई तरह की कलाओं की प्रदर्शनी लगती है। ये आर्ट फेस्टिवल 4 से 12 फरवरी तक हो रहा है। इस बार पर्यावरण थीम बनाने पर विशेष जोर दिया गया है। इस आर्ट फेस्टिवल को काला घोड़ा एसोसिएशन आयोजित करता है। काला घोड़ा एसोसिएशन को 1998 में काला घोड़ा क्षेत्र में बनाया गया। 2023 में काला घोड़ा महोत्सव को शुरू हुए 23 साल अब हो चुके हैं। मुझे लगता है ये जो फेस्टिवल है थोड़ा पॉजिटिविटी बनता है यहाँ पे, क्योंकि लोग बहुत ही एंथुजियास्टिक है और बहुत लुक फॉरवर्ड टू करते हैं। एंड एज यू सी बहुत से यंग नौजवान लोग हैं, कॉलेज से आते हैं सीधा और बहुत ही खुश है लोग। Everyone has a smile on their face और stalls अच्छे चल रहे हैं, visual arts बहुत है और मुझे लगता है arts, entertainment, culture very very important and I think people understand that। मेरे लिए ये art festival एक जरिया है जहाँ common मुंबईकर जो है world class acts और world class art के साथ interface कर सके। मेरे हिसाब से जो अगर आप देखेंगे सारे स्टॉल्स, कोई महाराष्ट्र से है, कोई आंध्र प्रदेश से है, कर्नाटका से है, द आइडिया ऑफ द मार्केट प्लेस इज ऑलवेज टू हैव अ शोकेस ऑफ आर्टिस्ट जिनको ये मौका मिले। आज देखिए, आज संडे का दिन है, इतने लोग आए हैं। अल्टीमेटली कोई भी आर्टिस्ट हो, चाहे वो गायक हो, चाहे वो हस्तकार हो, शिल्पकार हो, उनको क्या चाहिए, उनको एक ऑडियंस की जरूरत है और ये ऑडियंस काला घोड़ा की वजह से आती ही है। सो आई फील ट्रूली एक मेला, यू नो, ऐसे वाइब आता है इस फेस्टिवल से, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि इतने सारे लोग आते हैं यहाँ पर।